लेटेस्ट एग्जाम प्रिपरेशन के इस यूट्यूब चैनल में मैं सत्यम शुक्ला सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि आपका जो लर्निंग लाइसेंस का टेस्ट होता है, जो ड्राइविंग लाइसेंस का टेस्ट होता है, उसमें किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, जो भी क्वेश्चन मैं आपके साथ आज डिस्कस करने वाला हूँ, सेम यही प्रश्न आपके टेस्ट में पूछे जाएंगे। सो आप सभी लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा कि किस प्रकार के क्वेश्चन टेस्ट में पूछे जा रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस कमाल के वीडियो को। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं चाहूंगा कि डेली इसी तरह की वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल को ऑन रखिएगा। और यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे। और यहाँ पे देख सकते हैं कि हम आ गए हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे, जहां पे साइन इन पेज मैंने यहाँ पे फिल करके रखा हुआ है। डायरेक्टली यहाँ पे साइन इन बटन पे क्लिक करेंगे। साइन इन बटन पे क्लिक करने के बाद हमारे जो क्वेश्चन है वो स्टार्ट हो जाते हैं। जहां पे नीचे देख सकते हैं यहाँ पे टाइमर चलता रहता है, 30 सेकंड का टाइमर चलता है। और यहाँ पे क्वेश्चंस होते हैं, ऑप्शन होता है, ऑप्शन को सिलेक्ट करके पुष्टि बटन पे यहाँ देख सकते हैं, पुष्टि जैसे इसका बताता हूँ आपको। क्वेश्चन नंबर एक क्या है कि कौन सा चिन्ह वाहन की लंबाई से संबंधित है, वाहन की लंबाई कौन सा बताएगा। तो ऑप्शन नंबर एक को ध्यान से देखिए कि वाहन तो छपा हुआ है और यहाँ पे 10 मीटर लिखा हुआ है। देखिए यहाँ पे लंबाई का एरो बना के 10 मीटर लिखा गया है, तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा। नीचे देखिए पुष्टि करने का बटन मिल जाता है, यहाँ पे पुष्टि कर सकते हैं, ग्रीन कलर हो गया, मतलब कि यह आपका सही आंसर होगा। ठीक है, अगला है क्वेश्चन नंबर टू। क्वेश्चन नंबर टू रहा ये कि कौन सा चिन्ह बताता है कि आगे मुख्य सड़क है, मुख्य सड़क कौन सी है। देखिए यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जिसमें से पहला ऑप्शन देखिए वाई बना है, तो वाई इंटरसेक्शन ये हो गया। लेकिन ऑप्शन नंबर तीन को ध्यान से देखिए, ये बता रहा है कि यहाँ पे आगे जो है कोई मुख्य सड़क है। देखिए कोई सड़क निकल रही है और यहाँ पे मेन लाइन से जुड़ रही है। चौथा ऑप्शन किसका हो जाएगा कि आगे जो सड़क है उसकी चौड़ाई कम है। तो ये था इसका सही जवाब, ऑप्शन नंबर तीन, मुख्य सड़क का चिन्ह कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर तीन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर थ्री। क्वेश्चन नंबर थ्री रहा यह कि ओवरटेकिंग वर्जित है, जबकि आपको ओवरटेकिंग कब नहीं करना चाहिए। इसका कहने का मतलब क्या है कि आपको ओवरटेकिंग कब नहीं करना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर तीन को ध्यान से देखिए, क्या लिखा गया है कि जब कोई वाहन जो है खड़ी पहाड़ी पर चलाया जा रहा हो, तब आपको ओवरटेकिंग बिल्कुल नहीं करना चाहिए। पुष्टि कर लेते हैं, राइट आंसर है ऑप्शन नंबर तीन। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर फोर। क्वेश्चन नंबर फोर रहा यह कि कौन सा चिन्ह गति की सीमा को बताता है, गति की सीमा का चिन्ह कौन सा है। जो लोग डेली वीडियो देखते हैं उनको पता है, वो लास्ट में कमेंट करके भी जरूर से बताइएगा कि कितने क्वेश्चंस आपने सही किए हैं, ताकि आपको भी आइडिया लगेगा कि हमारी तैयारी कितनी हो चुकी है। तो यहाँ पे देख सकते हैं ऑप्शन नंबर दो, 50 लिखा है, मतलब कि स्पीड लिमिट कितनी है, 50 है। अगर यहाँ 60 लिखा होता तो 60 होती, 30 लिखा होता तो 30 होती। तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर दो। पुष्टि भी करके दिखा देता हूँ, सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर फाइव। क्वेश्चन नंबर फाइव रहा यह कि एक प्रशिक्षु लाइसेंस की वैधता रहती है, एक प्रशिक्षु लाइसेंस की वैधता रहती है, कितनी वैधता रहती है। लर्निंग लाइसेंस, प्रशिक्षु लाइसेंस का मतलब होता है लर्निंग लाइसेंस जिसका आप लोग टेस्ट दे रहे हो, तो इसकी वैधता कितनी होती है। तो जब जारी होता है लर्निंग लाइसेंस जारी होने की दिनांक से 6 महीने तक के लिए, ऑप्शन नंबर दो इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, पुष्टि कर लेते हैं, राइट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सिक्स। क्वेश्चन नंबर सिक्स रहा यह कि यह चिन्ह प्रदर्शित करता है, चिन्ह देख सकते हैं साइकिल बना हुआ है, क्रॉसिंग, साइकिल क्रॉसिंग ट्रायंगल में बना हुआ है, तो इसका मतलब क्या हो गया, साइकिल क्रॉसिंग है। क्या है, साइकिल क्रॉसिंग। पुष्टि कर लेता हूं, बिल्कुल सही जवाब, ऑप्शन नंबर एक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेवन। क्वेश्चन नंबर सेवन रहा यह कि यह चिन्ह प्रदर्शित करता है, चिन्ह देख सकते हैं वाई इंटरसेक्शन बना हुआ है, लेकिन यह सीधी सड़क जा रही है जिसमें बाएं तरफ एक सड़क निकली हुई है और यह वाई इंटरसेक्शन बना रही है, तो इसका मतलब क्या हो गया, बाई और वाई इंटरसेक्शन। किस तरफ, बाई और वाई इंटरसेक्शन, ऑप्शन नंबर एक इसका सही जवाब हो जाएगा। पुष्टि कर लेता हूं, सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर एट। क्वेश्चन नंबर एट रहा यह कि कौन सा चिन्ह चौड़ाई की सीमा बताता है, चौड़ाई की सीमा कौन सा बताएगा, मतलब कि वाहन की चौड़ाई। तो यहां पे देख सकते हैं ऑप्शन नंबर दो, सॉरी वाहन यहां पे नहीं छपा है, किसी भी चौड़ाई की सीमा को दर्शाने वाला ऑप्शन नंबर दो देख सकते हैं कि यहाँ पे लिखा है 2 मीटर, ये बताता है चौड़ाई की सीमा, अधिकतम सीमा जो कितनी है, 2 मीटर तक के वाहन यहाँ पे लेकर के जा सकते हो। पुष्टि कर लेता हूं, बिल्कुल सही जवाब है आपका, ऑप्शन नंबर दो। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर नाइन कि कौन सा चिन्ह बताता है कि यह अधिकतम गति सीमा है। अभी मैंने इसी वीडियो में मैंने बताया, अभी पिछला था, तो सेम यही क्वेश्चन रिपीट हो गया है। देखिए ऑप्शन नंबर तीन, 50 लिखा है, मतलब कि स्पीड लिमिट कितनी की है, 50 की, अधिकतम 50 होता है, अधिकतम 50 से ऊपर आपको इस क्षेत्र में वाहन लेकर के नहीं चलना। यह चिन्ह प्रदर्शित करता है,
चिन्ह देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से है, जो कि नौका लग रहा है, देखने से लग रहा है कि हाँ नौका है। तो यहाँ पे इसका सही आंसर क्या हो जाएगा कि नौका, ऑप्शन नंबर दो नौका। पुष्टि कर लेता हूं, बिल्कुल सही जवाब। तो दोस्तों ये थे, यहाँ पे देख सकते हैं कि योर स्कोर 10 out of 10 marks, 10 में से 10 मार्क्स हमने प्राप्त किए। लेकिन चलिए फिर से देखते हैं कुछ क्वेश्चंस को, फिर से साइन इन करेंगे, यहाँ पे एग्जिट करेंगे। एग्जिट करने के बाद यहाँ पे नेम ऑफ एप्लीकेंट नेम में अपना नाम डाल देता हूँ सत्यम, और डेट ऑफ बर्थ रैंडमली कोई सा सिलेक्ट कर लेता हूँ 1996, और यहाँ से सिलेक्ट करेंगे फरवरी 20 फरवरी 1996, ठीक है। यहाँ से लैंग्वेज को सिलेक्ट कर लेंगे हिंदी, और स्टेट कोई सा भी चाहे तो आप सिलेक्ट कर सकते हो, मैं यूपी सिलेक्ट करता हूँ। सभी स्टेट के लिए सेम ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, साइन इन करेंगे और क्वेश्चंस हमारा स्टार्ट हो जाएगा। प्रश्न है कि दुर्घटना के लिए जिम्मेदार उस वाहन को जिसके द्वारा किसी व्यक्ति को हताहत किया गया है, तो इसका इसको क्या करना चाहिए। आप उस वाहन को निकट की पुलिस चौकी पर ले जाएं तथा दुर्घटना की सूचना दर्ज कराएं, तो इतना तो नहीं कर पाएंगे शायद। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 कि पुलिस चौकी पर सूचना दर्ज कराएंगे, ठीक है, क्योंकि वाहन को ले जाना हमारा काम नहीं है, वो पुलिस आएगी अपना लेकर के जाएगी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2 कि दुर्घटना की स्थिति में आपकी कौन सी जानकारी दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति के लिए सहायताप्रद हो सकती है। तो यदि आपको प्राथमिक उपचार की व्यवस्था है तो आप चाहे तो प्राथमिक उपचार वहां पे कर सकते हो, यह दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति के लिए सहायताप्रद हो सकती है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 रहा यह कि कौन सा चिन्ह बताता है कि फाटक वाला रेलवे क्रॉसिंग 100 मीटर की दूरी पे है। काफी लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं, तो मैं आपको बता दूं इसमें कोई कंफ्यूजन मैं आज आपको दूर कर देता हूं। 100 मीटर का मतलब होता है एक लाइन है, यहाँ पे देखिए एक लाइन तो 100 मीटर, दो लाइन है तो 200 मीटर। पूछा क्या है, फाटक वाला रेलवे क्रॉसिंग, फाटक वाला जिसमें फाटक लगा हो, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। देखिये रेलवे ट्रैक बना हुआ है, मतलब कि यह फाटक वाला रेलवे क्रॉसिंग है, और केवल ट्रेन छपी होती है तो यह गार्ड युक्त फाटक रहित रेलवे क्रॉसिंग, वहां पे फाटक नहीं लगा होता है, ठीक है, मतलब गार्ड वहां पे खड़े होते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही जवाब हो गया। अगला है किसी अस्पताल के मुख्य द्वार पर वाहन खड़ा करना, किसी अस्पताल के मुख्य द्वार पे वाहन खड़ा कर सकते हैं, बिल्कुल अनुचित है, यह उचित नहीं है, अनुचित है। ऑप्शन नंबर दो इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 भी देखेंगे कि उचित है यदि वहां वाहन खड़ा करना मना है का संकेत चिन्ह नहीं लगाया गया है, तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। खुद से भी होना चाहिए समझ कि अस्पताल के मुख्य द्वार पर हमें वाहन नहीं खड़ा करना चाहिए। पुष्टि कर लेते हैं, सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, अनुचित है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5 कि जेब्रा लाइन बनी होती है, जेब्रा लाइन क्यों बनी होती है, किसके लिए बनी होती है। अभी आप जाओगे सड़क पे तो बीच बीच में कहीं देखेंगे कि पट्टी नुमा सफेद कलर या फिर पीले कलर से लाइनें खींची होती है, 3, 4, 5 ऐसे करके होता है, तो उसका मतलब क्या होता है, उसी को बोलते हैं जेब्रा लाइन, जो कि पैदल पथ पदयात्री पारपथ के लिए होता है। तो ये रोड क्रॉस करने के लिए होता है, जो पैदल चलते हैं उनके लिए रोड क्रॉस करने के लिए वो बना होता है। पुष्टि कर लेता हूं, सही जवाब है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6 कि कौन सा चिन्ह बताता है कि सड़क पर आदमी काम कर रहे हैं, सड़क पर आदमी काम कर रहे हैं उसका चिन्ह कौन सा हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1। देखिए आदमी छपा हुआ है और कुछ काम भी कर रहा है, तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा। अभी मैंने पैदल पारपथ का बताया, तो ये चिन्ह है देखिए ऑप्शन नंबर 3, ये चिन्ह है आपका पैदल पारपथ का, ये देख सकते हैं ऑप्शन नंबर 3, ये पैदल परपथ का चिन्ह है, पारपथ का चिन्ह है। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही जवाब हो जाएगा कि आदमी कार्य कर रहे हैं। पुष्टि कर लेता हूं, सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 रहा यह कि प्रस्तुत चिन्ह प्रदर्शित करता है, तो चिन्ह देख सकते हैं एरो निकला हुआ है दाएं तरफ, तो इसका मतलब क्या हो गया कि दाएं मुड़ना बाध्यकारी है। भाई दाएं मुड़ना बाध्यकारी है, अनिवार्य है, आपको दाएं मुड़ना ही है। पुष्टि कर लेते हैं, बिल्कुल सही जवाब। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8 कि यह चिन्ह प्रदर्शित करता है, चिन्ह को ध्यान से देखिए, एरो को इसमें ध्यान से देखना होता है कि एरो देखिए बाएं तरफ मुड़ा होता है, और ये हेयर पिन बेड पिन देखे होते हैं, पिन की तरह है, बाई और हेयर पिन बेड है, क्या बाई और हेयर पिन बेड है। नहीं समझ में आ रहा आंसर, ऑप्शंस को देखोगे उससे समझ जाओगे कि यह क्या कहना चाह रहा है। तो पुष्टि कर लेता हूं, सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9 कि एक पैदल पारपथ के निकट जब पदयात्री पथ पार करने के लिए प्रतीक्षारत हो, तब आपको पैदल पारपथ मैंने अभी आपको बताया, जो बीच में सड़क पे होती है लाइनें पट्टी नुमा होती हैं व्हाइट कलर या फिर येलो कलर से, तो वहां पे यदि आप अपने वाहन को लेकर के पहुंच रहे हैं और कोई प्रतीक्षार्थी कोई पैदल आदमी जो है वहां पे खड़ा है, तब आपको क्या करना चाहिए, वाहन को रोककर, ऑप्शन नंबर 3 को देखिए, वाहन को रोककर तब तक प्रतीक्षा करनी चाहिए जब तक कि पदयात्री पथ पार न कर ले, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3 ही इसका सही जवाब हो जाएगा।
एक ही से तीन क्वेश्चंस बन गए, घुमा फिरा के पूछ दिया है। नेक्स्ट है कि कौन सा चिन्ह बताता है कि स्कूटर पार्किंग है। पी मतलब पार्किंग, जहां पे स्कूटर छपा हो गया वो स्कूटर पार्किंग हो गया। तो ऑप्शन नंबर चार को ध्यान से देख सकते हैं कि ये रहा आपका स्कूटर और ये लिखा है पी। पी मतलब यह स्कूटर के लिए पार्किंग स्थल है। तीसरा ऑप्शन दोनों तरफ पार्किंग के लिए है और चौथा टैक्सी के लिए है। और ये हाथ की गाड़ी, ये बैल वगैरह की जो गाड़ी लेके चलते हैं, बैलगाड़ी वगैरह, इसके लिए मना किया जा रहा है। ठीक है, तो इसको भी पुष्टि करके दिखा देता हूँ। सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर चार। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने फिर से 10 क्वेश्चंस का टेस्ट दिया, जिसमें से योर स्कोर 10 out of 10 मार्क्स, 10 में से 10 मार्क्स हमने प्राप्त किए हुए हैं। तो दोस्तों ये था छोटा सा वीडियो। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और इसी तरह की वीडियो पाने के लिए चैनल को दोस्तों यदि छोटा सा वीडियो यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और इसी तरह की वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल को ऑन रखिएगा। चलिए फिर मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।